सो हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी को यह बताऊंगा कि दोस्तों, अगर आपके इंस्टाग्राम में कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स आता है, फिंड योर अकाउंट का प्रॉब्लम, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे इंस्टाग्राम यूजर के साथ ऐसा प्रॉब्लम्स आ जाता है और वो जो है काफ़ी घबरा जाता है कि हमारा ये जो प्रॉब्लम है अब कैसे ठीक होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ कि दोस्तों, अगर आपके इंस्टाग्राम में ऐसा फिंड योर अकाउंट का ऑप्शन आ जाता है तो आप अपने इंस्टाग्राम आईडी को दोबारा से वापस कैसे ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसे ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व लाइव करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे वीडियो को लाइक नहीं की दोस्तों, फटाफट हमारे वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकॉन कॉल पर प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक वीडियो में प्यारा सा कमेंट भी कर देना है, तो उनके लिए आप सभी को क्या करना है दोस्तों, अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम ऐप को ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ जितना भी आईडी रहेगा सबके सब शो कर जाएगा। आप जिस भी आईडी को लॉगिन करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, अपने उस आईडी पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर इस आईडी पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। आपके पास पासपोर्ट याद नहीं है तो आप अपने आईडी को वापस नहीं ला सकते हैं। तो उनके लिए आप सभी को नीचे दिख रहा होगा गेट हेल्प विथ लॉगिंग इन। तो आप सभी को क्या करना है दोस्तों, यहाँ आप सभी को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ मैं इस तरीके से क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपका जो यूज़र आईडी रहेगा इंस्टाग्राम का, जो भी यूज़र नाम है, तो यहाँ आप सभी को ऑलरेडी शो कर जाएगा। अगर आपके यूज़र आईडी शो नहीं कर रहा है तो यहाँ से आप सभी को अपने इंस्टाग्राम का जो यूज़र आईडी है उसे शो कर, मतलब डाल लेना है। डालने के बाद आप सभी को यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी मैं नेक्स्ट पर इस तरीके से क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। आपका जो भी मतलब इंस्टाग्राम आईडी रहेगा यहाँ आपको दिख जाएगा, आपका इंस्टाग्राम का आईडी का नाम और आपका लोगो दिख जाएगा। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा सेंड एसएमएस मैसेजर, तो आप सभी को मैसेज पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, फिर से आप सभी के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। तो आप सभी को क्या करना है, आपके पास एक कोड आ जाएगा 6 डिजिट का। तो देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसा वाला कोड आ चुका है, तो अपने इस कोड को यहाँ डाल लेते हैं। डालने के बाद दोस्तों, आप सभी को देख सकते हैं कि हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है वो बिल्कुल वापस आ चुका है, बिल्कुल आसान तरीके से। तो बस आपको इतना काम करने के बाद आपका इंस्टाग्राम आईडी बिल्कुल आसान तरीके से वापस चला आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए गए बेल आइकॉन कॉल पर प्रेस कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो इतनी सी, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।